अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और शहर के ताजाबाग परिसर में अपना साम्राज्य बनाने वाले अपराधी आबू और फिरोज खान और उसकी गैंग पर पुलिस ने बीते कुछ दिनों पहले शिकंजा कसा था, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि अब आबू और उसकी गैंग काबू में आ गई है। लेकिन अब उसके लोगों ने आबू के खिलाफ शिकायत करने वालों के परिजनों के घर में घुसकर उन्हें शिकायत वापस लेने अन्यथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या है ये पूरा माजरा, आइए देखते हैं। हाल ही में शहर पुलिस ने कुख्यात अपराधी आबू और फिरोज खान और उसकी गैंग पर अपना शिकंजा कसा था, जिसके बाद कई लोगों की ओर से आबू और उसके साथीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा आबू के खिलाफ भले ही मौका भी लगाया गया, लेकिन अब उनसे जुड़े लोग शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं। ऐसा एक वाकया एक महिला के साथ हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला खुद को NMC की कर्मचारी बताकर एक महिला शिकायतकर्ता की बहन के घर पर गई। उसने आबू और उसकी गैंग के खिलाफ दी गई शिकायत वापस नहीं लेने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। नंदनवन पुलिस ने आदर्श नगर दिघोरी निवासी फौजिया अकबर खान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला रुबीना पटेल बताई गई। फौजिया ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके भाई फिरदौस खान ने आबू और उसके भाई शहजादा खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है। 29 अगस्त दोपहर रूबीना एक युवक के साथ उनके घर पर आई, खुद को NMC के कर्मचारी बताया और कोरोना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी दी। घर के कितने सदस्यों को कोरोना हुआ यह जानकारी लेने के बहाने घर के भीतर आई। इसके बाद फिरदौस के बारे में पूछताछ की और दर्ज करवाई गई शिकायत की कॉपी मांगी। फौजिया ने ID कार्ड मांगा तो घर पर भूल जाने का कहा। फौजिया से कहा कि फिरदौस ने आबू और शहजादा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है उसे वापस ले लो, हमारी पावर का तुम्हें अंदाजा नहीं है, यदि शिकायत वापस नहीं ली तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, कहकर चली गई। फौजिया ने फिरदौस को इसकी जानकारी दी। फिरदौस ने बताया कि वो लोग बहुत खतरनाक है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। डर के मारे फौजिया चुप रही। बाद में उन्हें पता चला कि रुबीना पटेल गैर सरकारी संस्था चलाती है और आबू के परिवार से करीबी संबंध है। उन्होंने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस संदर्भ में फिरियादी की बहन ने पूरी हकीकत BCN समक्ष बात करते वक्त बयां की। वो एक लेडी हमारे घर आई दोपहर 2 बजे, हम घर में ही थे, तो वो बोले कि मैं NMC के तरफ से आई हूँ, मुझे कोरोना के तरफ से संबंध रिलेटिव आई हूँ करके। तो वो इधर पूछे कोरोना किसको हुआ क्या हुआ पूछे, फिर ऊपर आ गई, वो घर में डायरेक्ट आ गई है घर में, बोले NMC के तरफ से मैं इंक्वायरी करने आई हूँ। तो मैंने कहा कि NMC कोरोना किसको हुआ था, तो मैंने बोली हाँ हुआ था करके कोरोना। फिर वो बोले कि क्या बोलते क्या आपने जो आबू के खिलाफ कार्रवाई जो डाली है, आप फिरदौस खान की बहन हो ना फौजिया, तो मैंने बोली हाँ आप क्यों पूछ रहे हो ये बारे में। तो उसने कहा कि क्या बोलते आपने जो रिपोर्ट डाली हो, आपके जो भाई है फिरदौस खान तुम उसकी बहन हो, तो मैं वो FIR आबू के खिलाफ जो डाली वापस लो, नहीं तो मैं तुम लोग को जान से मारने की धमकी दे के गई हूँ हमको। हाँ मंगा तो उसने कहा मैं भूल गई घर पे। हाँ मैंने बोली आपका नाम कौन है और आपके आबू के वकील हो क्या, तो वो बोले कि नहीं है। फिर वो बोले नहीं, बोले मैं इंक्वायरी उठाने आई हूँ क्योंकि मैं NMC से हूँ, झगड़े ना हो लड़ाई ना हो ऐसा करके हमको धमकाने लगी और बोली कि आप दो करके। पुलिस ने भले ही फौजिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी अनुचित घटना घटित होने का डर लग रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ऐसी फिरियादी की मांग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।